हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसकेके एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या है, हरियाणा जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि हरियाणा जीके में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने ऑब्जर्व किया, उसमें जो रिवर्स और जो लेक्स हैं यानी कि नदियों और झीलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, हरियाणा की प्रमुख जिले। दोस्तों, कई बच्चों को हरियाणा की जो प्रमुख प्रमुख जिले हैं उनका नाम पता होता है, लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जानेंगे कि हरियाणा की कुछ ऐसी जिले हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है और उनके बारे में कोई अनुमान नहीं होता कि वो कहां पर है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या है, ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो क्या है, हरियाणा की प्रमुख जिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो आज फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद क्या है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है, जिला है, जनसंख्या में, जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, जो फरीदाबाद जिला है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी जिले हैं, एक तो क्या है बड़खल झील, एक क्या है सूरजकुंड झील, और एक धोद झील, और एक क्या है बड़वाडी झील। अभी दोस्तों इतना ही नहीं, आप सोचते होंगे कि बात यहीं पर खत्म, नाम जान लिए, लेकिन इसके आगे भी क्या है, थोड़ी और बातें हैं। फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से जिले हैं, बड़खल, सूरजकुंड, धोज, बड़वाडी। अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। देखो, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक है, ठीक है, जो टूरिस्ट है, वो हरियाणा के अंदर किस झील में आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बड़खल झील, बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। अभी सूरजकुंड झील पर आते हैं, ठीक है, सूरजकुंड जो झील है, ठीक है, ये क्या है, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट जो झील है धोद झील, ये कई बार पूछा जाता है धोद झील कहां पर है, और थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगा पाते बच्चे, क्योंकि उनको क्या है बड़खल और सूरजकुंड पढ़ के जाते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो फरीदाबाद के अंदर क्या है, धोद झील भी है, और देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, बड़वाडी झील। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो अभी आई है, बड़वाडी झील, बड़वाडी झील को क्या कहते हैं, खूनी झील, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो खूनी झील है उसको क्यों कहते हैं भाई, ठीक है, खूनी झील क्यों कहा जाता है, यानी कि हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी झील है जिसको क्या है खूनी झील कहा जाता है, तो वो कौन सी झील है, बड़वाडी झील। तो आई होप आपको क्या है वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो क्या है जिला है वो क्या है, नूह। नूह का जो प्राचीन नाम था, जो पुराना नाम था, वो क्या था, मेवात। मेवात से पहले क्या था, सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम नाम था, ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका नाम क्या है, नूह। नूह के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, कोटला झील, संगेन झील और चंदेली, ठीक है। अभी एक और झील है दोस्तों, जो संगेन झील है इसी को क्या कहते हैं, उंजीना, इसी को क्या कहते हैं, उंजीना झील, ठीक है। कोटला झील, संगेन या उजीना या चंदेली झील, ये कहां पर है, नूह में है। कहां पर है दोस्तों, नूह में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी दो जिलों की जिले हो चुकी हैं, अगला जो जिला है वो क्या है, कुरुक्षेत्र है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, दो जिले हैं, एक तो ब्रह्म सरोवर झील है, जिसके अंदर क्या है, जब भी कोई ग्रहण होता है तो लोग स्नान करते हैं इस झील के अंदर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के अंदर क्या है, ब्रह्मा का, जो भगवान ब्रह्मा है उनका वास है। तो दूसरी झील क्या है दोस्तों, सनीहत झील है, ठीक है, यानी कि सनीहत झील। अब इसके बारे में मैं एक खास बात बताता हूं, जो ये सनीहत झील है ये क्या है, हरियाणा की जो सबसे पक्का तालाब है, पक्का तालाब कह सकते हो, यानी कि सबसे पक्की झील है, ठीक है, सबसे पक्की और सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पर तिलियार झील, तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक में। और जो करण झील है, देखो करण झील कहाँ पर है, करनाल में है। करनाल को क्या कहते हैं, धान का कटोरा, ठीक है, क्योंकि चावल उत्पादन में सबसे आगे है ये जिला, धान का कटोरा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, करण झील कहाँ पर है, करनाल में। चक्रवर्ती, अभी गौर करो, चक्रवर्ती झील भी कहाँ पर है, करनाल में है, ओके। अभी आते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्स पर, पॉइंट ये बाद में देखते हैं, पॉइंट नंबर सिक्स को देख लो पहले, दमदमा झील। अभी देखो दमदमा, खलीलपुर और क्या है, सुल्तानपुर, ये तीनों झील कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। दमदमा झील, खलीलपुर और क्या है, सुल्तानपुर, और एक सोहना कुंड है, वो उसको झील नहीं, वो कुंड है, एक तरह का गर्म पानी का है,
ठीक है, दमदमा, खलीलपुर और सुल्तानपुर ये क्या है, गुरुग्राम के अंदर प्रसिद्ध जिले हैं। अभी यहां पर बात आती है दमदमा की, इसके बारे में जान लो। ठीक है, जो दमदमा जो झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा जो झील है दोस्तों वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो मैं यहां पर देखो ये झीलों की लिस्ट तो आपको याद होगी, मैं इनके बारे में क्या है कुछ ना कुछ अलग बात बता रहा हूं ताकि वो एग्जाम में आपको याद रहे और एग्जाम में आने की संभावना भी होती है। तो जो दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी, इन सभी झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। अभी थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, टिक्कर ताल झील, आप देख सकते होंगे यहां पर जो टिक्कर ताल झील है दोस्तों वो कहां पर है, पंचकूला में है। ठीक है, सबसे कम आबादी हरियाणा के अंदर कहां पर है, पंचकूला में है। ठीक है, अभी बुलबुल, जो बुलबुल झील है ये भाई कई भैया एग्जाम में आ चुका है, ये बुलबुल झील कहां पर है, जींद में। कहां पर है दोस्तों बुलबुल झील, जींद में है। नेक्स्ट देखो चिल्का झील, चिल्का झील कहां पर है, फतेहाबाद में। चिल्का झील कहां पर है दोस्तों, फतेहाबाद में। अभी नेक्स्ट देखो ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड जो झील है वो कहां पर है, हिसार में। ओटू झील, ओटू झील कहां पर है, सिरसा में। ओटू झील कहां पर है, सिरसा में। बिंडावास झील कहां पर है, जज्जर में। दोस्तों जज्जर के बारे में एक बात बता दूं, जज्जर ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या है, दो वन्य जीव अभ्यारण है, दो वन्य जीव अभ्यारण है। और जो बिंडावास झील है इसकी एक और खास बात है दोस्तों कि ये जो झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ लिया जाता है तो कौन सी है, बिंडावास झील। दोस्तों आई होप आपको क्या है जो मैं समझाना चाहता था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। मैंने सभी जिलों को लिख लिया और उनके बारे में ये बताया है कि कौन से जिले में है, उनकी क्या खास बात है और एग्जाम के अंदर उनको किस तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो बड़खल झील क्या है, सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है, बड़वाडी झील को खूनी झील कहते हैं, लिस्ट वाइज तो आप सभी को याद है। ठीक है, आप कर लोगे याद मुझे पता है, लेकिन सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं बड़खल झील में। और जो क्या है खूनी झील कौन सी है, बड़वाडी झील है। और जो सनीहत झील है ये क्या है, सबसे पक्का तालाब यानी कि पक्की बनी हुई झील है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर क्या है, दमदमा, दमदमा क्या है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, ये याद रखना। और यहाँ पर भिंडावास जो झील है वो प्राकृतिक पानी की सबसे मीठी झील है। ठीक है, तो मैंने क्या है झील का जो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसी ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती हम आपके साथ हैं और तैयारी ऐसे ही करवाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कौन सा टॉपिक की वीडियो आपको चाहिए। हरियाणा जीके के साथ एक और कोर्स चला हुआ है इंडियन जीके का, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है, उसको भी देखते रहना। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके तो हरियाणा के एग्जाम में आएगी, उसके साथ इंडियन जीके भी आएगी और इंडियन जीके भी हम करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने ये क्या है पूरा जो टॉपिक है आज का हमारा वो समझ लिया होगा। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।